अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्केलेटन को पढ़ा, ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ा, स्केलेटन क्या होता है, क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम अपने ह्यूमन स्केलेटन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज बोन एंड कार्टिलेज। सबसे पहले हम कार्टिलेज को पढ़ेंगे। कार्टिलेज क्या होता है, कितनी तरह का होता है, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, कौन से सेल्स होते हैं इसमें, और कार्टिलेज हमारी बॉडी के किन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहले हम अगर देखें कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज नरम हड्डी को भी आप कह सकते हैं। आप देखो कि अगर चिकन वगैरह में भी जो है वो सॉफ्ट बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। क्या है, डेंस होती है, क्लियर होती है और ब्लू वाइट। ब्लू व्हाइट मतलब कि ना तो प्योर व्हाइट होती है ना तो इसका कोई और कलर होता है, ब्लूइश और व्हाइट व्हाइटिश कलर इसमें आ जाता है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे एक्ट करती है। मतलब क्या करती है, ये दो चीजों को जोड़ती है आपस में। भी किस तरह से अपना काम करेगी वो भी हम देखेंगे। इट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन्स। बोन्स जो होती है वो ज्यादा कार्टिलेज, इसलिए ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन बोन्स होती है हमारी बॉडी का स्ट्रांग कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कॉन्ड्रोसाइट। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। के कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे या कार्टिलेज जिन सेल्स से मिलकर बनेगा उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। या आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें लक्यूना। लक्यूना क्या है, लक्यूना एक कह लें कि गोल जो है वो एक पोर्शन है कार्टिलेज का जो फ्लूड फील्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें फ्लूड होता है और इसके अंदर ये जो आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि कार्टिलेज के सेल्स हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वो लिक्विड जो कार्टिलेज के सेल्स मतलब कॉन्ड्रोसाइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लक्यूना। उसके बाद इसमें आ जाते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स क्या है, कार्टिलेज के अंदर जो थिन थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कोलेजन फाइबर्स। लास्ट पे आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, वो लिक्विड है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स, लेक्यूना, कॉन्ड्रोसाइट्स ये सारे जो है उसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लेक्यूना। फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन विच कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लेक्यूना इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। मतलब कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, लेक्यूना। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें ब्लड फाइबर, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स क्या है, टिनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन इज कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज, के कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिंपली जो है ये कनेक्ट करेगा दो पार्ट्स को, दो बॉडी पार्ट्स को। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, के कार्टिलेज कितनी तरह का प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे तीन तरह के कार्टिलेज देखेंगे, नंबर वन हाइलिन कार्टिलेज, नंबर टू फाइब्रस कार्टिलेज एंड नंबर थ्री इज इलास्टिक कार्टिलेज। हर कार्टिलेज क्या होता है, किस तरह से बना होता है, बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, अब हम बहुत चीजें देखते हैं। नंबर वन हम इसमें पढ़ेंगे हायलिन कार्टिलेज। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड इन द कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द नोज लैरिंग ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे हमारी लेग की बोन है, हमारे आर्म की बोन है, इसके एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं मतलब कॉर्नर पे। इसके अलावा हमारी नोज में आप देखो कि आपकी नोज में भी जो हड्डी है वो भी बोन जो है वो भी सॉफ्ट है, तो वो कौन सी बोन होगी, कार्टिलेज होगी, वो बोन नहीं होगी। लैरिंग्स में हमारे गले में, ट्रेकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में, यहाँ पे क्या कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हायलिन कार्टिलेज। इसके बाद हम इसमें सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज पढ़ेंगे, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हायलिन कार्टिलेज। इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। इसका स्ट्रक्चर तो हायलिन कार्टिलेज के जैसा ही होता है, मतलब उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, मतलब लचक ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रेजेंट होता है इलास्टिक फाइबर्स का, जो इनको इलास्टिसिटी देते हैं।
ये कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं? इट इज फाउंड इन एपिग्लॉटिस, मतलब कि ग्लॉटिस के ऊपर जो छोटी सी कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और पिन्ना, पिन्ना क्या है? हमारे आउटर ईयर का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिन्ना। वो भी किससे बना होता है? कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होगा? वो इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। इट इज वेरी टफ कार्टिलेज, मतलब कि सबसे ज्यादा हार्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज है। लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म। निटेड कैसे कहते हैं? जैसे बुनी हुई चीज, जैसे ऊन की जर्सियां होती हैं, मतलब बुनी हुई होती हैं, ठीक है। एक दूसरे के अंदर उसके जो थ्रेड्स होते हैं एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं। इसी तरह से जो फाइबरस कार्टिलेज है ये बहुत ज्यादा टफ होता है। क्यों टफ होता है? रीजन भी साथ बताती हुई है कि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक हार्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसको रिजिडिटी देते हैं, इसकी इलास्टिसिटी को कम करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारी जो वर्टिब्री है उसके अंदर जो डिस्क प्रेजेंट है उसमें जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। इस टॉपिक में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। राइट एंड नोट ऑन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।